जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज मैं आपको राशिफल देने आई हूँ आपका, जैसे हमेशा से हम देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम मेष राशि करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है माँ लक्ष्मी ज्योतिष चैनल और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपका दिन शुभ मंगलमय हो। उसके साथ हम कामना के साथ शुरू करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है, डामाडोल। धन संपत्ति के मामले में अच्छा रहेगा, प्रेम के मामले में अच्छा रहेगा, परिवार में भी अच्छा रहेगा, व्यवसाय में अच्छा रहेगा और वह जीवन भी अच्छा रहेगा। यानी कि देखिए, हल्के फुल्के अप एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं, उसको इतना मेन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और आपके लिए कहा जाता है कि एक नंबर आपके लिए लकी है, नारंगी और सुनहरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा, बढ़िया रहेगा अगर आप इसका प्रयोग करते हैं। और आपको कहा जाता है कि सूर्य की उपासना करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों आपका दिन बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के मामले भी खूब स्वस्थ रहेंगे, बने रहेंगे, परिवार के संबंध आपके अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन भी आपका कुल मिला के अच्छा है। देखा जाए तो ओवरऑल आपकी कुंडली का अच्छा टाइम है। आपको क्या करना है, अगर आप अपने टाइम को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आपको शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शुक्र के मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। सफ़ेद क्रीम शब्द जो भी आप पहनते हैं उससे आपको लकी रहेगा, दो नंबर आपके लिए लकी माना जाता है अगर आप दो नंबर के हिसाब से चलेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है आपको, और परिवार के मामले में भी थोड़ी सी नानुकुर किसी से खटपट हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। निराश मत होइए, आपका दिन संबंध अच्छा है, थोड़ा सा धन संपत्ति को लेकर आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वैसे मिथुन राशि वालों आपका सारा टाइम अच्छा ही निकलेगा। आपके लिए 8 नंबर लकी है और नीला रंग या काला रंग अगर आप पहनते तो आपको फायदा होगा। शनिदेव की पूजा आपको सुहाती है, अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपको इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। नेक्स्ट नंबर आता है कर्क राशि। कर्क राशि वालों आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में कहूँ तो थोड़ा सा डामाडोल हो सकती है स्वास्थ्य, हो सकता है आप किसी बात को लेके नकारात्मक विचारों में बह जाएं या आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो जाए किसी बात को, लेकिन धन संपत्ति के मामले में कहूँगी कि आपके पास पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, प्रेम संबंधों में भी थोड़ी बहुत कटुता आ सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि आप एकदम निराश हो जाएं, बैलेंस रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, लेकिन व्यवसाय आपका ठीक ठाक आपको रिजल्ट देने वाला है। भूरा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, 4 नंबर आपके लकी रहेगा। क्या कर सकते हैं आप, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपको फायदा होगा। नेक्स्ट नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, धन संपत्ति के मामले पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, परिवार के साथ तालमेल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। कह सकते हैं कि प्रेम संबंध, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन में आपका 4 लकी होता है। और आपको क्या करना है, सिंह राशि वालों लाल या मरून रंग आपके लिए अच्छा रहेगा और 9 नंबर भी आपके लिए लकी रहेगा। आपको करना क्या है, अगर आप अपना दिन को और भी अच्छा और भी बढ़िया बनाना चाहते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य गायत्री मंत्र करना शुरू कीजिए, निश्चित रूप से आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कन्या राशि। कन्या राशि वालों आपके लिए जो है मैं बताना चाहूँगी कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, धन संपत्ति भी अच्छी रहेगी, पैसा आएगा जाएगा, काम बनते रहेंगे, परिवार के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध बनने वाले हैं, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे बने रहेंगे, व्यवसायिक जीवन भी अच्छा बना रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा बना रहने वाला है। कुल मिला के आपका सारा दिन मुझे यहाँ अच्छा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है, लेकिन कन्या राशि वालों आपके लिए अच्छा टाइम मुश्किल से ही आता है। तो आपके लिए प्रेडिक्शन जो है वो है कि हरा या फिरोजी रंग जो आते हैं उसको पहनने से आपके जीवन में और अच्छा बहार आएगी, 5 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। भगवान गणेश की पूजा आपको बनती है अगर आप करते हैं, गणेश जी को लड्डू चढ़ा सकते हैं, जो घर में बनाए तो मंदिर तो जा ही नहीं सकते, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। और नेक्स्ट नंबर पे जो आता है कन्या राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है तुला। तुला राशि वालों आपके लिए स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा डामाडोल, लेकिन धन संपत्ति अच्छी रहेगी, परिवार भी आपका अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है,
व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन में भी हल्की फुल्की दरार आ सकती है, लेकिन इतना खराब नहीं कि आप उसको लेके मुंह लटका के बैठ जाए। काम आपके चलते रहेंगे, थोड़ा बहुत बैलेंस रहेगी आपकी लाइफ, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए एक नंबर शुभ रहेगा, लाल आपके लकी रहेगा। आपको क्या करना है, आपको देवी पूजा करेंगे, दुर्गा जी को ध्यान करेंगे तो आपको इससे लाभ होगा और आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। नेक्स्ट नंबर पे जो आती है तुला के बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा और आपका जो धन संपत्ति है वो भी आपका अच्छा रहेगा, परिवार जीवन भी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, व्यवसाय भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा व्यवसाय में दिक्कत आ सकती है लेकिन वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका पूरा दिन अच्छा है, आपका भाग्य अंक 3 बनता है यहाँ पे और आपके लिए जो है सफ़ेद और जो क्रीम कलर है वो आपके लिए शुभ रहेगा। और गाय की सेवा यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है धनुराशि। धनुराशि वालों, आपका जीवन कैसा रहेगा तो अब आपको बता देती हूँ। धनुराशि वालों, आप स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के मामले में पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। परिवार के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनने वाला है जो दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ आपका अच्छा बना रहेगा, प्रेम संबंध में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और पति के साथ जो या पति के साथ जो आपके संबंध है उसमें हल्की फुल्की दरार आ सकती है। व्यवसाय आपका ठीक ठाक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पैसा आएगा जाएगा, कम होता रहेगा। यदि आप जो है लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो आपके लिए 9 नंबर लकी है, लाल कपड़े आपको पहनने चाहिए और लक्ष्मी माँ जी की जो है अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है धनु के बाद मकर राशि। मकर राशि वालों, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, अच्छा रहने वाला है, धन संपत्ति के मामले पैसा आएगा जाएगा, काम होते रहेंगे, पारिवारिक संबंध आपके बढ़िया बनने वाले हैं, लेकिन प्रेम में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी दिक्कत वैवाहिक जीवन में भी है और व्यवसाय में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। तो इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का उतार चढ़ाव है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। आपको सलाह दी जाती है आपको कौवों की सेवा करनी चाहिए और शिंदेव की सेवा करनी चाहिए, तो आप 2-4 मीठी रोटियां बनाकर कौवों को छत पर डाल दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए भी लाल मरून रंग बनता है और 9 नंबर आपके लिए भी लकी है। नेक्स्ट नंबर पे जो आती है कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है और साथ साथ में आपको जो है धन संपत्ति के मामले में बोलेंगे तो धन संपत्ति भी आपका पैसा बना रहेगा और परिवार में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तू मैं हो सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो कुंभ राशि वालों, आपका टाइम तो अच्छा ही है, आपको सफ़ेद रंग सूट करता है, 7 नंबर आपके लकी है और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि चांदी का एक छल्ला धारण कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा जो कि अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन बन के यही निकला है कुंडली में। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध वगैरह का सेवन भी कीजिएगा और थोड़ा सा दूध वगैरह अगर आपके पास कोई शिवलिंग घर में रखा है तो उस पर कर सकते हैं। लास्ट नंबर पर हमारे पास जो राशि आती है वो आती है मीन राशि। मीन राशि वाला, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो सकता है, धन संपत्ति आपके पास बनी रहेगी अच्छा, परिवार में तालमेल आपका बना रहेगा, प्रेम संबंध में थोड़ी सी खटास आ सकती है लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है, व्यवसाय में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन भाई जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। कुल मिला के आपका सेहत को लेके ही थोड़ी दिक्कत आ सकती है, माथे पे केसर लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। 4 नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा और भूरा रंग आपके लिए शुभ है। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। मैं हूँ चारे संध्या सक्सेना, उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।